गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम पिंकी फ्रॉम गार्डनिंग विद पिंकी चैनल। देखिए मेरा सनरोज आज खिला है, पिंक कलर का है। ये सुबह तो जब खिलता है तो रेड कलर आता है, फिर बाद में जब धूप निकल आता है तो थोड़ा थोड़ा उसका कलर लाइट हो जाता है। ये कटिंग से आप प्रोपेगेशन कर पाएंगे इसको, और थोड़ा बारिश में इसको बचा कर रखना है। इसको ज़्यादा धूप पसंद नहीं है, हल्का सुबह का धूप होने से ये चल जाता है। और इसका जितना भी सूखा पत्ता हो है, इस सबको आपको निकालना है। बीच बीच में इस सबको आपको निकालना होता है। आज मैं इसका थोड़ा सा कटिंग में आज इसका लगाऊंगी ज़्यादा पेड़ करने के लिए। जब भी कटिंग करेंगे देखिए ऊपर का जो ये हिस्सा है, इससे आप कटिंग करके कैंची या ब्लेड से ये कटिंग करके आप सैंड में लगा देने से ये फिर नया पौधा इसका हो जाएगा। देखिए ऐसा जब भी लगाएंगे ये नीचे का दो चार पत्ता हटा के आप सैंड में लगा देंगे। मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ और दूसरे हाथ में कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे को तकलीफ हो रहा है। देखिए ऐसे आप निकाल के इसको फिर सैंड में लगा देने से आप 15 दिन में इसमें जड़े आ जाएंगे और नया पेड़ आपका फिर हो जाएगा। इसको फिर आप दूसरे गमले में लगा सकते हैं। इसका मिट्टी आप जितना वेल ड्रेन हो पाएगा ऐसे ही मिट्टी उसको ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा भाग आप सैंड यूज लगाएंगे, सैंड 40% सैंड लेंगे और 30% आप कोकोपीट ले जाएंगे, 20% आप मिट्टी लेंगे और बाकी 10% आप थोड़ा सा DAP, थोड़ा सा आप बोन मील, ये सब मिलाकर आप इसका वर्मी कंपोस्ट हो गया और थोड़ा सा खाद हो गया। अगर खाद है तो वर्मी कंपोस्ट नहीं होने से भी चलेगा। ये सब मिलाकर इसका मिट्टी आप तैयार करके फिर आप इसको लगा सकते हैं। जब सब में फूल आ जाएंगे बहुत सुंदर दिखता है। आप इसको हैंगिंग की तरह आप लगा सकेंगे, बहुत सुंदर। इसका तो बहुत सारा कलर आता है, रेड, पिंक, वाइट, येलो, सभी कलर में ये सब आता है। मेरे पास तो रेड और पिंक का है, दो कलर है मेरे पास। और मेरे सहेली के पास येलो कलर है, उससे मैं मांगी हूँ, वो फिर मेरे को दे गई, तो आपको फिर येलो कलर का सनरोज आपको दिखाऊंगी। देखिए ये ज़्यादा पानी होने से की वजह से देखिए इसका पत्ते कैसे सड़ गया है। ये सब इसको बीच बीच में ये सब हटाना पड़ गया, नहीं तो ये फिर फंगस पेड़ में फंगस शुरू कर देगा। ये देखिए ज़्यादा पानी गिरा दिया है, तो इससे ये सब बीच बीच में आपको देखना पड़ता है। सो फ्रेंड, आज के लिए ही इतना। आप सनरोज को कैसे लगाएंगे, इसका मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, आप सबको आपको मैं बता चुकी हूँ। तो फिर मैं जब नया वीडियो करूँगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।